Hello, it's SS2, ready to rock your day with a video 10 MCU characters that have died but can come back, यानी कि वो MCU characters जो कि मर चुके हैं पर वापस आ सकते हैं। तो start करते हैं with number 1, Mysterio। तो Far From Home में हमने देखा कि कैसे Mysterio ने सबके सामने Peter Parker की identity रख ली, और movie के आखिरी में कैसे Peter Parker ने यानी Spider-Man ने Mysterio को मार दिया। पर क्या वो सच्ची में मरा? मिस्टीरियो की चाल से वाकिफ स्पाइडरमैन ने लास्ट में पूछा भी था एडिट से कि क्या मिस्टीरियो मर चुका है, और एडिट ने कहा था हाँ, पर एडिट एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो गलत भी हो सकती है, और मिस्टीरियो हमेशा इल्यूजन्स पैदा करता है। उस वो कब क्या कर रहा है इसके बारे में कोई कुछ नहीं बता सकता, और वो मरा कि नहीं मरा ये भी कोई नहीं बता सकता। नंबर 2, हाइमडाल। तो लास्ट हाइमडाल हमें थॉर लव एंड थंडर के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखा था, जब जेन वल्हला में पहुंची थी तो उसे हाइमडाल मिला था। तो हाइमडाल वैसे तो मर चुका था, पर हाइमडाल अभी भी वल्हला में है, और जेन भी वल्हला में है। अब जेन कभी ना कभी तो वापस आएगी, और अगर जेन के वापस आने के चांसेस हैं तो हाइमडाल के भी वापस आने के चांसेस हैं। नंबर 3, लोकी। तो मुझे नहीं लगता मेरे को ज़्यादा इसमें बताने की ज़रूरत है, लोकी ने हर बार इल्यूजन पैदा करके अपनी डेथ ऑल्टर की है, हमेशा डेथ से बचा है या फिर सब कुछ चू बनाया है अपनी डेथ को लेके। और लोकी में जब हमें क्लासिक लोकी दिखा था तो उसने कहा था कि वो थैनोस से बचा था इल्यूजन पैदा करके, तो ये हो सकता है कि हमारा लोकी भी इल्यूजन पैदा करके थैनोस से बच गया, क्योंकि उसका भरोसा कोई नहीं कर सकता। नंबर 4, अल्ट्रॉन। तो अल्ट्रॉन वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था जिसे टोनी स्टार्क ने बनाया था। अल्ट्रॉन ने आते ही खुद को इंटरनेट पे अपलोड कर दिया था, जिसकी वजह से उसको वहां से मिटाना बहुत मुश्किल था। विजन ने उसे ऑल ओवर द इंटरनेट से मिटा तो दिया था, पर अगर छोटी सी छोटी फाइल भी होगी तो भी अल्ट्रॉन को कहीं ना कहीं वापस लाया जा सकता है। ऊपर से उसके इतने सारे सेंट्री बॉट्स थे, इसके चांसेस हैं कि एक ना एक तो बचा ही होगा, अगर एक भी बचा है तो हाई माइंड से वो सारे अल्ट्रॉन को वापस से क्रिएट कर सकता है, अल्ट्रॉन वापस आ सकता है। नंबर 5, फ्रेगा। तो फ्रेगा के आने के चांसेस बहुत कम है, बट कैन कम, क्योंकि वो भी एक सॉसरर मतलब मैजिशियन ही थी, एज गार्डियन मैजिशियन उसी ने लोकी को मैजिक सिखाया, तो इसके चांसेस तो हो सकते हैं ना कि वो खुद का इल्यूजन क्रिएट करे, क्योंकि अगर लोकी जिससे मैजिक सीखा है अगर वो इल्यूजन क्रिएट कर सकता है तो वो भी कर सकती है, और उसने अपनी डेथ फेक कर ली हो सकता है इल्यूजन को लेके। नंबर 6, क्विक सिल्वर। तो क्विक सिल्वर एक्समैन का बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर है, जैसा कि हमने एक्समैन मूवीज में भी देखा, वांडा विजन में कहीं ना कहीं क्विक सिल्वर वापस आया, वही सेम एक्टर, बस हाँ उसको लराव बोनर नाम का थोड़ा मजाक कर दिए थे, बट क्योंकि मल्टीवर्स से म्यूटेंट एक्समैन सब वापस आने वाले हैं तो क्विक सिल्वर के भी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं। हाँ, वही एक्टर नहीं आएगा, वही क्विक सिल्वर नहीं आएगा, पर हाँ एक एक्समैन नया म्यूटेंट क्विक सिल्वर ज़रूर आएगा। नंबर 7, एरिक किलमोंगर। तो ब्लैक पैंथर के लास्ट में हमने देखा कि एरिक किलमोंगर ऑलमोस्ट मर गया था, पर क्या वो पूरा मर गया था? एरिक किलमोंगर ने हर्ट शेप हर्ब कंज्यूम की थी, जिसकी वजह से उसके पास ब्लैक पैंथर की पावर्स थी, हो सकता है हीलिंग एबिलिटीज हो जिसकी वजह से वो खुद को हील कर लिया हो, क्योंकि ब्लैक पैंथर में ही हमने देखा था कि टिचाला को जब झरने से फेंक दिया था वो मरा नहीं था, इतने ज़्यादा डैमेज लेने के बाद भी। तो हर्ट शेप हर्ब कहीं ना कहीं हेल्प तो करती हो, उसने एरिक किलमोंगर को भी हेल्प कर सकती, क्योंकि वो सही में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेंबर था। व्हाट इफ में भी हमने देखा कि वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, लास्ट में तो उसने अल्ट्रॉन का सूट पहन के सारे इन्फिनिटी स्टोन को हार्नेस भी कर लिया था, तो कहीं ना कहीं ऑल ओवर द मल्टीवर्स से भी वो आ सकता है, और या हो सकता है कि आगे जाके हमें एंसेस्ट्रल प्लेन में भी वो दिख सकता है। नंबर 8, द एंशिएंट वन। तो जिसने डॉक्टर स्ट्रेंज जैसे महान जादूगर को जादू सिखाया हो वो खुद भी उससे कहीं ना कहीं ज़्यादा ही बड़ी जादूगर होगी, और वैसे भी मैजिक एक ऐसी चीज़ है जिससे आप कुछ भी कर सकते हो, तो हो सकता है कभी डॉक्टर स्ट्रेंज को एंशिएंट वन की ज़रूरत हो तो उसको वापस लाए एज एन एडवाइजर, यू नो। नंबर 9, हेला। तो थॉर रैग्नारोक में ही हमने देखा कि हेला कितनी ज़्यादा पावरफुल थी, उसने थॉर की बैंड बजा दी, पूरे एस्गार्ड को तबाह ही कर दिया ऑलमोस्ट, और जब सर्टर अपने फाइनल फॉर्म में था तब भी उसने ऑलमोस्ट सर्टर को हरा दिया था। और वैसे भी हमने थॉर रैग्नारोक में देखा है कि वो कितनी ज्यादा पावरफुल थी, उसने सिंगल हैंडेडली कितने लोगों को साथ डील कर लिया आराम से, इवन थॉर का हथौड़ा तोड़ने तक की इसके पास पावर थी, तो हेला मरी ना हो इसके बहुत ज्यादा चांसेस है। और वैसे भी हमें थेला की डेथ दिखाई नहीं गई थी,
बस हमें वो एस्गार्ड तबाह होते हुए दिखाया गया था। नंबर 10 स्कारलेट विच। तो मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के एंड में स्कारलेट विच ने खुद पे पूरी बिल्डिंग कोलैप्स कर दी थी। बिल्डिंग नहीं बोलना चाहिए था वैसे, हाँ पूरा वो कोलैप्स कर लिया था, जिसकी वजह से वो ऑलमोस्ट मर जाती, या फिर मूवी ने तो ऐसा ही दिखाया कि वो मर गई, पर आखिरी में एक रेड कलर का फ्लैश हुआ जो कि ये बात प्रूव करता है कि वो मरी नहीं है और वो फ्यूचर में रिटर्न करेगी। क्योंकि ये बात तो नॉर्मल है कि मार्वल इतने ज़्यादा पावरफुल और ऑसम कैरेक्टर को इतनी आसानी से नहीं मारेगा, वो ज़रूर उसको आगे यूज़ करेगा, खास करके मल्टीवर्स सागा में। एंड दैट वॉज द वीडियो। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट व्हाट शुड आई इम्प्रूव।